मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको मरने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हां, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 5। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को शांति और कृपा मिले। आज का पहला पाठ में इफिसियों के लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, हम सब सत्य के वचन, अपने मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और उस विश्वास के साथ ही हम अपने जीवन को बिताते हैं। यानी हमें अपने जीवन से मुकरना नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा की मोहर आप लोगों के ऊपर लगी है। वो पवित्र आत्मा आपको आश्वासन देता है, मुक्ति देता है और उसी के द्वारा ही हमारा क्रिस्तीय जीवन निहित है। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, डरो नहीं कि मैं आप लोगों के साथ हूं। उसी से डरो जो मरने के बाद भी आपकी आत्मा को नरक में डालने का अधिकार है। किसको अधिकार है? प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए उसी से डरो। ये डर क्यों पैदा होती है? जब हम कुछ अनदेखी चीजों को करते हैं, गलत धारणाओं में जीवन बिताते हैं, विश्वास को अविश्वास पर बदल देते हैं, यहां डर पैदा होता है। क्योंकि विश्वास मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के द्वारा मिला हुआ एक वरदान है। इसलिए प्रभु कहते डरो नहीं। प्रभु ने हमारे जीवन का बीमा कर दिया है। कितने लोग अपने सांसारिक जीवन में बीमा बांधते हैं? बहुत से लोग नाना प्रकार के बीमाओं को बांधते हैं। क्यों? ताकि हम सुरक्षित हों, ताकि हमें आगे कुछ परेशानियां ना हो। वैसे ही हमारा आध्यात्मिक जीवन को प्रभु ने बीमा बांधा है। किसके द्वारा? हमारे विश्वास के द्वारा। आज ये पूछना है कि हम उस बीमा को बांधते रहते हैं या भूल जाते हैं। सामाजिक बीमा को कभी हम भूलते नहीं, क्योंकि वहां पे लोग हमें याद दिलाते रहते हैं। यहां पे प्रभु याद दिलाते हैं सुसमाचार द्वारा, पवित्र वचन द्वारा। क्या प्रभु का वचन को सुनते हैं? प्रभु पर विश्वास करते हैं? मेरा जीवन क्या प्रभु में निहित है? हमें अपने आप को पूछना है, तभी मैं कह सकता हूं मेरा बीमा स्वर्ग राज्य में बंधी हुई है। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। आमीन।